सोलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 27 फरवरी को आ रहे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद उनका सोलन में ये पहला दौरा है, इसलिए उनके अभिनंदन की तैयारियां खूब जोर शोर से की जा रही हैं। सोलन के ऐतिहासिक ठोटो मैदान में उनके भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए पंडाल लगने आरम्भ हो गए हैं। सोलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 27 फरवरी को आ रहे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद उनका सोलन में ये पहला दौरा है, इसके लिए उनके अभिनंदन की तैयारियां खूब जोर शोर से की जा रही हैं। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में उनके भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए पंडाल लगने आरम्भ हो गए हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी पहली बड़ी जिम्मेवारी निभाने जा रहे हैं, इसलिए वे किसी तरह से कोई कमी इस कार्यक्रम में नहीं छोड़ना चाहते और वे खुद तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल के लिए गौरव का विषय है कि हिमाचल जैसे छोटे से राज्य के नेता जेपी नड्डा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि सोलन के लिए गौरव का विषय है कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हिमाचल के सोलन जिला में 27 फरवरी को आ रहे हैं, जिसके चलते भाजपा उनका सोलन में अभिनंदन करने जा रही है, जिस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल के साथ जुड़े हैं और वह हिमाचल के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, उसी तरह अब भाजपा के अध्यक्ष हिमाचल से ही हैं, जो एक सौभाग्य का विषय है। हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि छोटे से प्रांत से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी बने हैं। हमारे लिए गौरव है, हिमाचल के लिए गौरव है, और अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हिमाचल पधार रहे हैं तो सोलन में भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करेगी, और ये गौरव है, सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन शुरू किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनका अभिनंदन। हिमाचल के लिए एक और अच्छा अवसर, जहां नरेंद्र भाई मोदी हमारे हिमाचल के साथ जुड़े रहे, हिमाचल की गली गली से गांव-गांव से परिचित हैं, हिमाचल के लिए चिंता करते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से बनने के साथ ही हिमाचल के लिए और भी सौभाग्य का विषय।